वैसे आजकल फायदे में है ना, तो ये गाड़ी वाले फायदे में है। वाह जी, कल इसको जो है ना प्लस्तर वलस्तर जो है ना वो थोड़ा सा हो गया, बिल्लियों के काम चेक करें। इरादा है इसको जो है ना तोड़ने का, मतलब कि नीचे उतारने का सब कुछ ना। कल इन्होंने टुल्ला मारा और आज जो है ना दूसरे मिस्त्री ने टुल्ला मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन। किचन की टंकी की सेटिंग हो रही है ऊपर रखने की, और उसकी जो लाइन है ना वो ऐसे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कल का दिन कैसा गुजरा? मजे में गुजरा? हाँ, टुल्ले मार मार तो ठीक है ना। अच्छा, इधर ध्यान करना, ये बिजली की लाइन जा रही है ये वाली ना, हाँ इसका ख्याल करना है। आज भाई ने मुझे जो है ना मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि अहमद भाई आप जो है ना इसकी छत डलवा लो, इसकी छत डलवा के आपकी गाड़ियाँ सेफ हो जाएंगी, और जो टंकी है किचन की वो इसके ऊपर रखो। मतलब कि मेरा इरादा है ना जैसे कोने पे रखने का, तो वहाँ पर नहीं रखो, इसकी छत डाल के तो बाद में जो है ना टंकी वगैरह रखो, तो छत डालने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ना इसकी मैं फिटिंग इस हिसाब से करा रहा हूँ कि ये जो पाइप ऐसे मैंने जहाँ पे ऐसे कहा था, और अगर इसकी छत भी डालते हैं तो फिर भी छत डालने के बाद भी ये जो टंकी है ना इसी कोने में ही रखी जाएगी, दीवारों के ऊपर, मतलब कि छत के ऊपर नहीं। लेकिन अभी इसकी छत नहीं डलवा रहे, बस इंशाल्लाह जब अल्लाह को मंजूर होगा तो इसकी छत भी डाल देंगे। फ़िलहाल जो हमारे मिशन हैं, ये वाला, वो वाला, किचन, ये तीन चीज़ें जो है ना अभी इनके ऊपर फोकस है। अभी जो है ना इसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ये सारा इन रस्सियाँ खोल गए ए आलिया छुरी नाल कट गए सारियाँ, ठीक है ना, ये सारियाँ काट देते वाला इनको पटेनों। देखें जी, आज भी निशानी हमारे पास मौजूद है, और ये हमारे बचपन की निशानी है। हाय 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 हाय, इस पे बैठ के हम जो है ना अपने पेपरों की जो है ना तैयारी किया करते थे। बिजली नहीं होती थी ना हमारे पास, तो इसको जला के वो सुबह जो है ना स्कूल जाने की, पेपर्स वगैरह की, ये सब इसी लालटेन के ऊपर जो है ना हम किया करते थे। हाय हाय हाय, अल्लाह पाक राबिया के लिए आसानियाँ करे जी। पूरी रात बेचारी नहीं सो पाई, इतनी खांसी थी ना, बहुत शदीद किस्म की खांसी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अभी आँख इसकी बंद हो रही है और फिर खांसना शुरू हो जाए, फिर खांसना शुरू हो जाए, फिर खैर अल्लाह पाक जो है ना करम करे जी इसके हाल पे। और इस पर अभी जो है ना बैठी हुई हैं, आपसे भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो 10 मिनट के लिए सिर्फ बाहर आ जाओ। वो जो मड किचन है ना हमारा, उसको मैं मतलब कि नीचे उतरवा रहा हूँ, और ये किचन में जो है ना सिंक और इसकी जो है ना वो लग रहा है नल, वो नल मैंने जो है ना अपने हिसाब से देख के बता दो कि इस जगह पे होना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट आ जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। सिंक के ऊपर ही लगवा रहे हैं, मैं अभी नहा कर बैठी, मेरी हिम्मत नहीं है, सांस फूल गई है मेरी। सांस की बीमारी मुझे तकरीबन आज 13 साल हो गए, मेरा जवाब होने वाला था जब से मुझे सांस की। ये नेबुलाइजर मशीनें भी इसीलिए लेके तो रखी हुई हैं, कभी शहद, कभी शरबत, कभी नमक, कभी पानी, पता नहीं क्या क्या। 4:30 बजे मुझे नींद आई, 5 बजे का अलार्म लगा मैं मोबाइल में, फजर का फिर उठकर बैठ। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, चलो आप आराम कर लो, आप आराम। मैं रात में महफिल थी बच्चों के स्कूल में, उन्हें भी तैयार कर रहा था। चलो आप आराम कर, उठ के तैयार करवाया मैंने उन्हें, आप आराम कर। ये बन गया है जी किचन के लिए इनपुट लाइन, यहाँ से ऐसे एंटर जा रही है, रस्सियाँ खुल गई हैं इसकी। अभी बिस्मिल्लाह करके जो है ना इसको उतारते हैं। मेरी कोशिश है कि इसके अंदर जो है ना ये एक वाली तप्पल जो है ना ये वाली, ये साफ़ है, आग जो लगी थी वो इसको लगी थी, और ये वाली जो है ना ये ख़राब है। तो कोशिश करेंगे कि ये वाली जो है इसको साफ़ निकाल लें, और इसकी भी, बल्कि इसके ऊपर भी एक पड़ी है। हिंदे उत्तू एक पई पई नहीं वह, हिंदे उत्तू भी एक पई है, हाँ वो भी साफ है, ठीक है ना। ये सिर्फ तल वाली ख़राब थी, ये आराम नल ना इन्हें को लहाँ। इसको उतारते हैं जी अभी नीचे ना मंज अंदर, ये बांस कड़न, ये बांस कड़न नहीं तल आन पम सही थी वाला इडे कार किन। ये दीवार वैसे भी तोड़नी, और मेरा अभी जो मिशन है ना वो ऐसे तिरछा करने का थोड़ा सा ना, कट कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उड़ू खड़ा रहे, पर खड़ा रहे, खड़ा रहे, तले खड़ा रहे, इवें नाल, इवें नाल खड़ा रहे। वो उधर उधर ख्याल करिए सब्जी का, यही थी खड़ा रहे, बस बस के रख दी ये वाला, ये वाला निकालेंगे सारी नीचे, काट
ਕੱਢ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੁਣ ਹਾਂ ऊपर हालांकि मिट्टी हमने काफी डाली थी लेकिन सारी आंधी में ना सारी उड़ गई, वो जो तूफान आया था। ख्याल ना यो बांस ही कोई कढ़ूआ जाना वाला भी तले आन पवेया। चल ही बांस को ही बांस को ही को कई तरीके नाल काट जो सारी तले आन पवे। ए ए ए यो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए में तले आवन तले आवन तले तले खाड़ दे उल्टे कर। देखे ना जी वो जो ऊपर वेट था ना वो तो टूट गई है सारी, ये वाली सारी टूट गई है। हाय हाय चलो जी कोई नहीं, आज अद्दी भी खुले माहौल में खड़ी होकर रोटी पकाएगी। खुला हो गया हाँ, चल आ जाओ तले। बांस इतना रख खाली सारे बाहर काट दे, तपला में चूजे ना कुछ क्लियर है नो कढ़ने आना। ये बांस है ना जड़े ये वाला अलग सन ये सारे दी। सलाम कर पहले। अस्सलाम वालेकुम यकने को सलाम थी गया। वालेकुम सलाम थी गया यकने को सलाम गया। आज आज खुले माहौल ते खार ते रोटी पकावी। हाँ तनूर बच गए, तू आज खुले माहौल ते खार ते रोटी पकावी। हाँ ओ ओ ओ ओ ख्याल करी मदर ढैप में होने को खुला करे सू यो तक घेनो सू ठीक है ना, ताकि वे चूल्हे बाण वजन चंगा बाण वजे। अब आपने भी मशवरा जो है ना लाजमी से देना है। मेरा जो आइडिया है ना मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे तिरछा करके ना थोड़ा सा इसको ना इधर खुला कर लूँ। ये दीवार भी अभी तोड़ेंगे तो ऐसे मतलब कि तंदूर वगैरह अभी रिसेंटली ही लगवाया था लेकिन इसको भी अभी जो है ना हमें तोड़ना पड़ेगा। तू क्या कि जुड़िया हो या नाल गारे दे वेज बढ़िया गड़े। चलें जी ये काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ईंटें जो है ना सुबह ऑर्डर करके आया था वो भी अभी आने वाली हैं, तकरीबन 500-700 हज़ार ईंट का जो है ना कहा है मैंने सुबह, वो 500-700 जो है ना उसमें काम आएगी, जो वो गटर बनाएंगे खूब खड्डा और बाकी जो है ना कुछ किचन की रिपेयरिंग में काम आएगी। कट दो ना एक साइड में इकट्ठा की ना उत्थ धाम लाखना भी वाला ये मिट्टी है जरी ना ये मिट्टी भी और इसमें से जो है ना एक ये वाली साफ निकली है ये वाली बिल्कुल और एक जो है ना ये वाली बिल्कुल साफ पड़ी है, बाकी एक जो है ना जिसको आग लगी थी वो ख़राब हो गई है। आए तो साफ थी वैसे दोबारा बाढ़ वैसे, और इस दफ़ा कुछ डिज़ाइन मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए उस डिज़ाइन का जो है ना किचन बनवाना है इंशाल्लाह, और बिल्कुल वाटर प्रूफ बनाना है कि बारिश का पानी उस तरफ से भी नहीं आएगा इस तरफ से भी, हर तरफ से इसको कोशिश करेंगे कवर करने की। कल राधिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पहले इसका जो है ना कैनोला यहाँ पर लगा हुआ था यहीं पर था ना, कल फिर शाम में मैंने जाके चेंज करवाया इसका ना फिर इधर शिफ्ट किया, तो अभी जो है ना अभी और कितने इंजेक्शन राधिया ये बड़े वाले रहते हैं तुम्हारे, ये शाम तक ये ख़त्म हो जाएंगे ये बस, और उसके बाद ये फिर छह टीके। काफी सारे कमेंट्स भी तो थे ना इसके ऊपर कि राबिया की हिम्मत है कि इतने इंजेक्शन इतने, और बीमारी का पता नहीं लगा। बीमारी मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, 6 माह पुराना है। बस बुखार आता था दवाई लेते थे आराम आ जाता था, बस ये थोड़ी पता था तकलीफ तो नहीं करा। उधर वाला हाथ दिखाओ ना, देखे नी नील कैसे पड़ जाते हैं इसको, ये देखिए पहले इधर लगा हुआ था। क्या कर रहे हैं बस तकलीफ झेल रहे हैं। अच्छा वो मैंने देसी किचन उखड़वा दिया पूरा ठीक है ना, बीमारी भी एक सदका है जिस्म का निकल रहे हैं। हाँ बस अल्लाह पाक शिफा दे जी। बिस्मिल्लाह देखते हैं जी आज तकलीफ होती है या नहीं। कैनोला तो नया लगा हुआ है, हो रही है हाँ? कल का बंद होया है नहीं शायद, इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी पहले वाले जो पुराना, उसने कहा था कि 3 दिन के बाद चेंज करवाना है बिल्कुल, सांस लेती रहो
जैसे कल डॉक्टर ने कहा था कि लंबा लंबा सांस लेती रहो, बस ये लंबा सांस लेते लेते कहीं एक लंबा सांस ही ना ले। नहीं नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। बीमारियां तुम्हें पता नहीं है, जिस्म का सदका निकल जाता है। वो तो निकल गया सदका, छह महीने से तो निकल रहा, अब कितना और निकल। बस अभी बहुत हो गया, बस अभी ये लास्ट आज के दिन का है, ये बड़े इंजेक्शन और बाकी वो वाले कितने दिन के हैं, तीन दिन ये के। वाला इंजेक्शन जो सुन करता है ना। अच्छा, इसकी नसें बिल्कुल ही बारीक हैं जी, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। राबिया की नसें जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत क्या हुआ, सर में जलन हो गई? पूरे जिस्म में जलन हो गई इस वाले इंजेक्शन से। कबीला टूटा पड़ गया, सुन पड़ गया। चलो अल्लाह पाक शिफा दे, अल्लाह पाक करम करे। सर की अपडेट ये है कि जी ये वाला जो है ना सिंह के साथ हम लेके आए थे, ये वाला सेंटर, तो ये आ रहा है यहाँ पर, मतलब सिंह के सेंटर में, और इसी के साथ जो है ना एक पॉइंट निकल रहा है यहाँ से, जो कि फिल्टर लगेगा यहाँ पर प्योर पानी के लिए, किचन में और घर में इस्तेमाल होने के लिए फिल्टर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाएगा। सिंक हमारा ये रखा हुआ है, और सुबह मैंने कारपेंटर के भी ज़िम्मे लगाया है, वो भी कह रहा था कि मैं आऊँगा एक दो दिन में, इसके जो बॉक्सेस, इसके जो दरवाजे वगैरह वो बनाएगा। अभी आप ये समझ लें कि पक्का प्लस्तर नहीं है, ये कल उसने कच्चा किया ऐसे, और ये रात को बिल्ली ने ख़राब किया, तो ये भी ठीक करके जो है ना इसको दोबारा से प्लस्तर कर, फिर इसके ऊपर पत्थर रखवाएंगे। और कल का सर कमेंट्स थे कि आप जो है ना चूल्हा फिक्स कराएं, ओपन चूल्हा रखेंगे, और मेरे ख्याल में यहाँ पर रखेंगे या वहाँ पर, क्योंकि फिक्स जो है ना नहीं रख सकते यहाँ पर, गाँव देहात में वो टाइल मार्बल के साथ फिक्स होते हैं, लेकिन हम ओपन ही रखेंगे यहाँ पर। ऑटो चूल्हा लेंगे इंशाल्लाह एक, जो कि यहाँ पर रखेंगे। किचन टूट गया जी, ईंट जो है वो भी तकरीबन कुछ आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बाकी जो है अभी आने वाली है। अद्दी के लिए परेशानी बन गई। हाँ अद्दी, तेरे वास्ते तो परेशानी बन गई, ये मेरे ख्याल में अभी हाफ आई है, हाफ और आएगी, ये जो है ना उसमें भी काम आ जाएगी, और इसकी जो रिपेयरिंग है इसमें भी काम आ जाएगी माशाल्लाह से। और तो तंदूर ही पटी वैसे, इसको भी यहाँ से उखाड़ेंगे ना नवा के ना। हाँ दी जरा पक्का होंगे, ठीक होंगे ये बच्चे हो थोड़े सुन जो सही बच्चे से। अद्दी कह रही है ये बच जाएगा, इसका प्लान है इस जगह पे लेके आने का, बाकी इधर जो है ना एक थला टाइप बना के ना, तो इसको जो है ना अच्छे तरीके से मेंटेन करने का। ऐसा रोटी आती हुई जहाज बड़ी खड़ी है यहाँ है ना, सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। टंकी वो लग गई जी, वो मेरे ख्याल में लाइन भी चालू हो गई है ये वाली ना, इसको सेफ्टी वॉल जो है ना यहाँ पर लगाया है ये सामने, तो ये उम्मीद है कि ये चालू थी ये हूँ लाइन। ओके मोटर चला, हाँ उत्ते पानी वाल खुलिया खड़े मोटर चला, हाँ देखते हैं जी फिलिंग हो रही है अभी इसकी टंकी की, फर्स्ट समझ लें कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हुआ। अंदर चल के फिर आपको इसका प्रेशर वगैरह भी दिखाते हैं। ये अभी पानी टंकी में जा रहा है, उधर बंद है, और वाल बंद की दिखड़ो, हाँ उधर सेफ्टी वाल लगाओ ना वो बंद है, पानी का प्रेशर इधर ही जा रहा है। ओके अभी देख रहे हैं जी अंदर चल के किचन के, सबसे इसको फुल होने दो, भरने दो इसको, क्योंकि अभी फिल्टर वाला भी आएगा लगाने के लिए ना। नी ढांदी वा यार, नी ढांदी मजबूती नाल कह नहीं रखा, हाँ मजबूत कह नहीं, बस वाला क्यों उठा से तले आ, डरवे नहीं यार तू, ये मेरे को कह रहा है, मैं बस ऐसे ही आप डरा रहा था, मजा कर रहा था। देखते हैं ये अभी मेरे ख्याल में इसकी भी सेटिंग हो चुकी है सिंक की ना, ये वाला साइड देखें ये लगा हुआ है, वाह अभी तो मोटर चल रही है, टंकी फिल हो जाएगी तो फिर पता चलेगा, टंपर हो गया टंपर हो था। और अभी जो है ना वो फिल्टर वाला आएगा, फिल्टर वाला यहाँ लगा के, तो उसका ये नल रखा हुआ है, तो ये जो है ना इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा या इधर लग जाएगा, यहाँ पर भी वो सेट करके लगाएगा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से ओके हो जाएगा। बाकी जी एक बात है कि घर समझ लें कि औरत से होता है, अगर घर की औरत बीमार हो जाए ना तो सारा काम उथल पुथल हो जाता है। बेगम साहब बीमार है, तो बस दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द से अफजाब हो जाएँ, क्योंकि मैं अकेला भी जो है ना इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, काम को नहीं संभाल रहा हूँ सही तरीके से, काफ़ी सारी समझ लें कि जिम्मेदारियाँ जो है ना मेरे ऊपर पड़ी हुई हैं, ऐसे 50-50 हो जाता है, घर औरत संभाल लेती है बाकी जो है ना मर्द संभाल लेता है।
लेकिन इस दफा औरत भी मैं ही बना हुआ हूँ, आदमी वाला बस उसको शिफाए कामला दे दी। आमीन सुमा आमीन। आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है। सारी मेहनत पे पानी फिराया जी, हमारा टंकी ऊपर रखी लेकिन टंकी लीक थी। हमने पहले उसको बनाने की कोशिश की लेकिन वो हमसे सही तरीके से रिपेयर नहीं हुई। अभी उसको दोबारा जो है ना नीचे उतारा है और अभी जो है ना जवाद के जो गैजेट्स हैं वो हमारे काम आ रहे हैं। ये देखें, ये ग्लू गन लगाई है, ये अभी गर्म हो जाएगी तो ये जो है ना इसको, ये मैंने अभी YouTube पे वीडियो देखी है कि लीकेज जो है ना टंकी की कैसे रोके, तो बंदा जो है ना ग्लू गन के साथ इसको बना रहा था। देखे ना वो वहाँ से लीकेज है उस जगह पे, वो एक ऐसे लकीर बना रहा था। तो यहाँ पर डिपॉक्सी हमने लगाई थी लेकिन जैसे इसके अंदर पानी गया ना तो वो लीक हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये इसको पूरी फिल कर देगी, मतलब कि ये इसको ऐसे कर देगी लोहा बिल्कुल। इधर जो है ना हम इनका फाइनली टचअप है जी, ये करने के बाद जो है ना इनको कहा है कि फिर आप लोग मस्जिद चले जाएँ, मस्जिद में कारी साहब के लिए शावर वगैरह जो है ना वो भी लेके आएँ, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इंतज़ार में हूँ ईंट वाले के, मिस्त्री ने आज ये टुल्ला मारा हुआ है, ये ईंट मैं कह रहा हूँ कि और आ जाए और इधर से ये जितना है ना ये इसको क्लोज़ कराया जाए, इसको बंद करके ना इसको पैक कर दें सारा ताकि रास्ता हमारा जो है ना खुल जाए। देखें ना मोटर चली, इधर वाल बंद है, ऊपर बंद, अब पानी वापसी उधर ही जा रहा है, टैंकी खाली करने के लिए भी उधर ही पानी जाएगा उस जगह पे, क्योंकि दिनों का तो पता ही नहीं चलता जी, सुबह होते ही शाम भी हो जाती है। और इस टाइम गर्मियों में जो है ना, टाइम दिखाऊं आपको, 3 बजे गर्मियों में तो समझ लें कि फुल दोपहर का टाइम होता है और फुल गर्मी होती है, सर्दियों में पता ही नहीं लगता। और तकरीबन धुंधे जो है ना वो हमारे यहाँ तकरीबन दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ तक जो है ना आना शुरू होंगी। बाकी काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी जो है ना देखने को ऐसे मिल रहे हैं कि अरबिया के बगैर जो है ना जी व्लॉग में मज़ा नहीं है, व्लॉग बिल्कुल आधा अधूरा सा लगता है। तो काफ़ी सारी बहनें कह भी रही हैं कि जल्दी से अरबिया ठीक हो जाए, बल्कि उन्होंने स्पेशल वॉइसेस भी भेजी हुई हैं अरबिया के पास। सल्लल्लाहु पाक उसके शिफाए कामला दे जी। मैं ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि एकदम से जो है ना अचानक से उसके साथ क्या हो गया है क्या नहीं हुआ। आप सबकी दुआओं की हमेशा ही अशद ज़रूरत है, अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द शिफाए कामला दे। अभी उसको मैं भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, उसको आराम करने देता हूँ। आप बना लोगे जी? हाँ जी। कैसे, ये गर्म हो गई? नहीं, ये देखे ना जी, ये हो तो गई है, देखो ना आ रही है, ये देखो ना अभी साख्त नहीं हुई। साख्त मतलब कैसे? अभी राड आएगा तो ये देखो ना इसको ऐसे नहीं दबाओ, अभी नहीं जब फुल देखो। ये देखो ना आ गई ना, गर्म हो गई है ना फुल, ये इसको सही पकड़ेगी है ना जवाब, इससे तो लीक नहीं होगी ना। हाँ क्योंकि तुम तो क्राफ्टिंग मैनेजर हो ना, तुम्हें तो सब पता है ना कि ये यहाँ पर लगेगी तो काबू रहेगी या नहीं रहेगी, ये इसको काबू कर लेगी जी। अच्छा पानी जो है टंकी में, पानी लगा हुआ है तो कोई मसला तो नहीं है? हाँ पानी के ऊपर भी लग जाती है जी। चलें जी अब ये लगाते हैं, इंजीनियर ये सही, मैं कहना परफेक्ट इंजीनियर है, ये अगले सवाल ही पैदा नहीं जो है हेल जोल कर बने। लगाएं फिर इसको, इसको ऊपर उठा लेते हैं लीड को, इसको ऐसे करके तो इसको लगा लेते हैं। आपने इधर ही रहना है मैकेनिक साहब। देसी जुगाड़ हो तो गया जी, वो देखें ये वाला, अब हमारा नसीब है इनसाइड भी आउटसाइड भी। उम्मीद तो काफ़ी है कि लीकेज नहीं होगी अभी। हाँ इनको कवर कर दे सारा, क्योंकि गाड़ी जो है ना बाहर पार्क की हुई है, वो भी अभी अंदर लेके आनी है। सुबह मिस्त्री से ना ये कराना है सारा, ये सारा अंदर से सारा और इधर वॉशरूम वाला सारा। वैसे आजकल फायदे में है ना तो ये गाड़ी वाले फायदे में है ना, पेट्रोल ना कुछ, सुकून लाल। चौखा पेट्रोल पी दिए 400 रुपए तो 3.5 लीटर 3.5 लीटर। हाँ तो फिर ठीक है, लाता ठीक है ना। हमारे इलाकों में अभी भी ये हैं, असल में जी महंगाई इतनी है, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये इन पे अपनी रोज़ी रोज़गार जो है ना इनकी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 250 ईंट लेके आए हैं, मतलब 500 पहले छोड़ के गए थे, 500 अभी लेके आए हैं।